को 4 दिनों में कर रहा है वो 1 दिन में उस काम का 1/4 पार्ट ही करेगा। समझे मुकुल बाबू, 1/4 पार्ट ही करेगा। तो ये 10 दिन में कोई काम कर रहा है तो 1 दिन में उस काम का जो भी काम जितना भी बड़ा काम है वो उसको पूरा 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में उसका 10 पार्ट ही कर पाएगा। हेलो शुभम बाबू। और 15 दिन में उसी काम का अगर जो 1 दिन में करना पड़े तो 1/15 ही काम करेगा। यदि दूसरा व्यक्ति कोई बी जो है 15 दिनों में उस काम को करता है तो 1 दिन में वो उस काम का 1/15 काम ही करेगा। ध्यान रखिए बाबू, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जिस प्रकार से ये निकाल के दिखाए हैं यहाँ पे। क्लियर ना, समझ में आ गया? ऑनलाइन में बच्चों को सबको समझ में आ गया? फटाफट कमेंट कीजिए बाबू। अब आते हैं दोनों मिलकर उस काम का 1 दिन में कितना भाग करेंगे। तो दोनों मिलकर या 1/10 कर रहे हैं और या 1/15 कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर उस काम का कितना भाग कर रहे हैं 1 दिन में। तो इसके लिए इसका एलसीएम पहले ले लीजिए, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 3+2, इट विल बी 5/30 एंड इसका आप कट करेंगे तो 1/6 पार्ट यह कंप्लीट कर रहा है, 1/6 भाग वो कंप्लीट कर लेगा। अच्छा भैया एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति 10 दिन में कोई काम कर रहा था तो 1 दिन में उसका भाग 1/10 हो जा रहा है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। हेलो अभिराज बाबू, यदि कोई व्यक्ति 1/6 काम 1 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो सिंपल सा है, 6/1 दिन में। तो टोटल कितना दिन में काम करेगा भैया? 6 दिन में, 6 डेज में। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें, संदेह, समझ में आया? खैर इसका एक ट्रिक भी होता है, यदि ए और बी दो गो है तो a(b)(a+b) कर दिया जाता है तो आपका आंसर आ जाता है। दोनों को लेंगे बाबू और 6 को जोड़ देंगे इस 7 में, तो 7 और 6 को घंटा हो गया 13। 13 बजे मने 1 बजे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? हाँ चलिए आइए देखते हैं बाबू, यदि इसको हम फॉर्मूला में डालते हैं, ट्रिक मैंने बताया a(b)(a+b). अभिराज देख लो भैया, a(b)(a+b), यदि a कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, b 15 दिन में, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 10+15 इक्वल्स टू कितना हो गया दोनों का मल्टीप्लाई, 10×15 यह कितना हो गया 25। 5 से कट रहा है कितने बारे में, 5 टाइम्स में, और 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 3×2 = 6 डेज या 6 आवर जो भी होंगे उसको लिखते हैं। क्लियर सर? मैं 1 नंबर के लिए रैंक 3 से छूट गया। ओके कोई बात नहीं आर्यन बाबू, होता है ऐसे, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया था क्योंकि सभी का कॉपी मेरे पास ही था। ध्यान दीजिए बाबू, कभी भी आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, परीक्षाएं आती जाती रहती हैं लेकिन आपको नहीं टूटना है, आप चट्टान की तरह एकदम मजबूत खड़े रहिए। एक नहीं हुआ अगले में निकाल के दिखाएंगे, ये 1 नंबर नहीं बाबू, इतना नंबर ला देंगे कि लोगों को छाटना पड़ेगा कि कहां से इसका नंबर काटे इसको पीछे करे। तो ऐसे के लिए आपकी जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए कि लोग चाह कर भी ना तोड़ पाए। इतना मेहनत कीजिए, इतना करके दिखाइए कि लोग जब कॉपी चेक करें ना तो कहे कि हाँ भाई यह एक लड़का ने बनाया है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी कोई नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है। पेपर कमजोर हो जाए लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो उत्साह है उसको कमजोर नहीं होने देना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपके भावना और आपके उत्साह कमजोर हो गए ना, सभी पेपर जो है वो उसका कोई मतलब नहीं बनता, आप सब में फेल हो जाएंगे। तो वो उत्साह वो कम नहीं होना चाहिए, आपकी ताकत वो कम नहीं होनी चाहिए, पढ़ने की जो जुनून है वो कम नहीं होना चाहिए। यह जिस दिन बना रहेगा ना, लाख एग्जाम आएंगे और सब में आप टॉप करेंगे, कोई और नहीं, आप टॉप करेंगे। आर्यन बाबू हम आपसे कह रहे हैं और भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बस हम आप ही लोग से कह रहे हैं, किसी और से नहीं कह रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई और नहीं टॉप करने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप ही टॉप करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन जो डाउट में है। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे दे ताकि समझ में आया नहीं आया समझ लूं मैं, किसको समझ में आया।